बैक टू माय चैनल स्वीट वाइब्स केकरी विद मी सुपर्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबसे फिर से एक बटरस्कॉच केक की डिजाइन शेयर करूंगी, मगर इस बार मैंने कोई ट्रेडिशनल बटरस्कॉच केक की डिजाइन को फॉलो नहीं किया है, मैंने कुछ हटके ट्राई किया है इस केक के साथ। तो आपको देख के बताना है आज की केक की डिजाइन बनी कैसी है। और अगर आप होम मेकर हो, बेकिंग करना आपने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, तो ये एक नोजल आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो वो कौन सी नोजल है और साथ में उस नोजल से कैसे डिजाइन्स बनाया जा सकता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस एक वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो में जाने से पहले, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ये छोटी सी वाइटी फैमिली के साथ झटपट से जुड़ जाइए। इट्स सिंपल एंड फ्री। और अगर आज की केक की डिजाइन आप सबको पसंद आई है, देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के केक को मैंने बेक किया था एक 5 इंच एल्युमिनियम केक टिन पे, और ऑलरेडी मेरे चैनल पे बटरस्कॉच केक की रेसिपी दिया हुआ है, मैंने उस रेसिपी को फॉलो करके इस केक को बनाया है। और आप देख ही सकते हो केक कितनी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनी है। तो ये रेसिपी ना एक मस्ट ट्राई है, आपको ज़रूर ट्राई करनी है। तो लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर। और मुझे आज के केक के लिए सिर्फ दो ही लेयर्स लगेंगे, इसलिए मैंने इस केक को 3 लेयर्स पर कट तो किया था, मगर जो ऊपर वाला लेयर है उसको मैंने यूज नहीं किया। मिडिल लेयर एंड लोअर लेयर से ही मैं इस केक को बनाने वाली हूँ। केक बोर्ड के ऊपर मैंने आज के केक की पहली लेयर को रख दिया है, और मैंने इसको सोक भी कर दिया है नॉर्मल शुगर सिरप से, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ये केक ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट है। और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ी सी बटरस्कॉच क्रश, जिसको मैंने लोकल रॉ मटेरियल शॉप से परचेस किया था। आई थिंक ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। क्रीम को अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर भी मैं डालूंगी कैरमल सॉस एंड बटरस्कॉच की क्रश। अच्छा, ये कैरमल सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर दिया हुआ है, उसके लिंक भी मैं डाल दूंगी। अगर आपने घर पे ही वो सॉस बना दिया ना, आपको कोई जरूरत ही नहीं है बाहर से इसको अलग से खरीदने की, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं डाल रही हूँ वो बटरस्कॉच कर्नल्स, यानी कि जिसके लिए लोग बटरस्कॉच केक को खाते हैं। तो मैंने घर पे बनाए कर्नल्स के साथ बाजार से खरीदे हुए कर्नल्स को भी मिक्स करके यहाँ पर डाल दिया था। घर पे बनाए कर्नल्स की भी रेसिपी है, आप देख सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगी। एक ही वीडियो में ना सारे रेसिपीज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बटरस्कॉच स्पॉन्ज केक कैसे बनाते हैं, साथ में कैसे बटरस्कॉच सॉस बनाते हैं, कर्नल्स बनाते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो में। उसकी ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। थोड़ी सी क्रीम लगाते हुए मैं केक की सारी लूज क्रम्स को सेट करने वाली हूँ, ताकि फाइनल आइसिंग के टाइम ये क्रम्स डिस्टर्ब ना कर सके। और इसको ही कहा जाता है क्रम कोटिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, प्लीज इसको स्किप मत कीजिए। और क्रम कोट करने के बाद मैं इस केक को रेफ्रिजरेटर में सेट करने वाली हूँ एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। अब बारी है फाइनल आइसिंग की, तो मैंने सेम क्रीम को ही पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर दिया है, और टर्न टेबल को घुमाते हुए मैं केक के ऊपर इसको लगाते हुए जाऊंगी। इससे काम बहुत फास्ट हो जाता है, मेस एकदम ना के बराबर होता है, और साथ में अच्छी तरह से फिनिशिंग आ भी जाती है। तो ये बिगिनर्स फ्रेंडली प्रोसेस है, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो। अच्छा, आज के केक की डिज़ाइन के लिए मुझे बनाना है एक ओम्ब्रे इफेक्ट, और मैंने इसलिए लिया है येलो जेल कलर। पाइपिंग बैग के टिप पे मैंने थोड़ी सी येलो जेल कलर लगा दिया है, और इसको ही मैं केक के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करते हुए जाऊंगी। अगर आप चाहो आप अलग से येलो क्रीम को यूज़ करके भी ओम्ब्रे इफेक्ट बना सकते हो, मगर जब मुझे बहुत जल्दी में काम को ख़त्म करना होता है, मैं इसको ही ट्राई करती हूँ, अच्छी तरह से हो भी जाता है। अब केक के ऊपर में अच्छी तरह से फिनिशिंग लाना है। बाहर से अंदर की तरफ मैं क्रीम को ला रही हूँ स्पैचुला के हेल्प से, और ऐसे ही मैं इवन आउट करते हुए जा रही हूँ। यहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार में कभी भी फिनिशिंग नहीं आता है। यहाँ पर मैं आप सबसे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप फिनिशिंग देना स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा स्पैचुला को वाटर पर पहले डिप कर लेना है और फिर उसको यूज़ करना है। इससे क्या होता है, क्रीम थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है और सरफेस भी बहुत ईजीली इवन आउट हो जाती है।
हर एक बार स्पैचुला को यूज़ करने के बाद उसको पहले टॉवल से क्लीन करना है और फिर उसको पानी पे डुबा के रीयूज़ करना होता है। इससे बहुत अच्छी तरह से काम बन जाती है। आज के केक के डिज़ाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक छोटा वाला R11 नोजल। वीडियो के इंट्रो में मैंने बोला था एक नोजल आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है तो वो है R11 नोजल। और इस नोजल से ना बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं। नेल्स के ऊपर जो रोजेस बनाते हैं वो सब R11 नोजल से ही बनाया जाता है। मैं आज एक दूसरा वाला डिज़ाइन भी आप सबसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ इस नोजल के ही साथ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि डिज़ाइन तो सिंपल है मगर देखने में बहुत अच्छा लगता है। पाइपिंग बैग के अंदर मैंने येलो क्रीम को फिल कर दिया है और ग्लास के हेल्प से आप बहुत ही इजीली पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम को फिल कर सकते हो अगर आप बिगिनर स्टेज पे हो तो, नहीं तो मैं हाथ के ऊपर रखी फिल कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने दिखाया ताकि आप सबको हेल्प हो सके इसी वजह से। R11 नोजल पे दो एंड्स होते हैं, एक है ब्रॉड एंड और दूसरा वाला है नैरो एंड, यानी कि एक मोटा वाला एंड और एक पतला वाला एंड। तो इस डिज़ाइन के लिए हमें जो मोटा वाला एंड है उसको अंदर की तरफ रखना है यानी कि केक के साइड पे रखना है और जो पतला वाला एंड है नैरो एंड है उसको अपने साइड में रखना है यानी कि केक से बाहर की तरफ रखना है। नोजल को ठीक ठाक सेप सेट करने के बाद अब आपको पाइपिंग बैग को यू शेप में घुमाते हुए जाना है। अल्फाबेट यू शेप पे आपको पाइपिंग बैग को घुमाते हुए जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने पाइपिंग बैग को सिर्फ यू शेप में घुमाया है और एक एक करके पेटल्स अपने आप ही बनते हुए जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मोटा वाला एंड होगा केक की तरफ और जो पतला वाला एंड है वो होगी केक की बाहर की तरफ यानी कि आपकी तरफ, और आपको पाइपिंग बैग को यू शेप में ही घुमाना है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, अगर आपने इसको अच्छी तरह से सीख लिया तो बहुत सारी केक के ऊपर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो, देखने में अच्छा ही लगता है। और मुझे तो ये लगता है कि जब हम N1 नोजल से रोजेस बनाते हैं उससे भी ज़्यादा ईजी है ये को बनाना। अगर आप चाहो देन इस डिज़ाइन से आप केक के टॉप पार्ट को फुल कवर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा वो भी। मगर मैंने बीच में थोड़ी सी जगह खाली रख दिया था क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी कैरेमल सॉस भी थी और क्योंकि बटरस्कॉच केक बन रहा है थोड़ी सी हिंट तो हमें देनी है ना बाहर से कि हाँ ये बटरस्कॉच केक ही है, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया है कैरेमल सॉस और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है कुछ प्रलाइंस, बटरस्कॉच के जो प्रलाइंस आते हैं उसको ही मैंने डाल दिया है। अच्छा, तो प्रलाइन के साथ साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया था गोल्डन कलर के शुगर बॉल्स, ये भी दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मगर यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, गलती तो नहीं कहूँगी ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दी यही बोलूँगी, मैंने ना जो चॉकलेट का वर्मिसल जो आता है उसको भी डाल दिया था। लग रहा था कि अच्छा चलो थोड़ी सी सनफ्लावर जैसा लुक आ जाएगा मगर मुझे बाद में कुछ खास ये नहीं जमा। और लास्ट में बचे हुए होममेड बटरस्कॉच प्रलाइंस को ही मैंने केक के बेस पे डाल के फैला दिया था और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाली हूँ। तो हाँ, हमारी आज की बटरस्कॉच केक बनके हो गया है रेडी। तो मैंने ट्राई तो किया है कि ट्रेडिशनल बटरस्कॉच केक के डिज़ाइन से बाहर निकल के कुछ हटके करने की और आप सबको भी एक नई डिज़ाइन सिखाने की, एक नई टेक्निक सिखाने की ताकि आप सबको भी हेल्प हो सके, क्योंकि बार बार एक ही डिज़ाइन अगर दिखाऊंगी तो आप सब भी बोर हो जाओगे और मैं भी सिखाते सिखाते बोर हो जाऊंगी। तो कैसी लगी आज की इस केक की डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है देन लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ स्वीट बाइट्स केकरी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप बेकिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।